हाय डियर फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल लेके आई हूँ। जिस तरह से हम घर पे प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो कपड़ा है ज़्यादा गर्म होने की वजह से या फिर सिंथेटिक होने की वजह से कपड़ा इसको लग जाता है प्रेस को। तो इस तरह से एक तरह से प्रेस से हमारी बेकार हो जाती है, क्योंकि जब भी हम दूसरा कपड़ा कोई प्रेस करने लगते हैं तो ये उसके साथ चिपकना शुरू कर देती है। तो इस तरह से ये मेरी प्रेस है, ये देखिए काफ़ी अच्छी प्रेस है, लेकिन इसको गलती से बोलिए या फिर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कपड़ा हमारा सिंथेटिक था, उसकी वजह से ये इस तरह से एक तरह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। इस पर हम कपड़े प्रेस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने क्या करना है, ये देखिए मैंने प्रेस ले ली है, इसको प्लग को है हमने ऑन कर दिया है। फ्रेंड्स ये देखिए इसको हमने एक मिनट के लिए ऑन करना है और इसको थोड़ा हमने गर्म होने देते हैं। उसके लिए हमें इसका सोल्यूशन क्या है, ये समुंदर की झाग है फ्रेंड, ये 20 या 25 रुपए की आप कितना पीस है वो आप बाज़ार से लेके आ सकते हो। ये दिखता है तो आम की गुठली जैसे है, लेकिन ये समुंदर की झाग है। इसको हमने ले लिया है, इसको हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, आप घर पे ज़रूर लेके आइए। तो अब ये प्रेस है हमारी फ्रेंड्स, अब हम इसको बंद कर देंगे, थोड़ी गर्म हो चुकी है तो प्लग हम निकाल देंगे फ्रेंड्स। देखिए प्लग मैंने निकाल दिया है, अब फ्रेंड इसके ऊपर हमने हल्का हल्का इसको घिसना है। बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, कोई नहीं आपको बताएगा इस तरह से। जो हमारे टेलर हैं, मैंने उनके यहाँ देखा था, तो मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए, ताकि कोई भी काम है हमने करना है, हमें घर पे करना आना चाहिए, तो उस तरह से बहुत इजी हो जाता है। इस तरह से फ्रेंड ये इसको हम घिसते रहेंगे। प्लग मैंने ऑलरेडी निकाल ही दिया है, तो कोई डेंजर नहीं है, बल्कि इसको इस तरह से हमने साफ करना। अब थोड़ा सा हमने दोबारा से प्लग को ऑन करना है। ये देखिए ऑन कर लिया है, थोड़ी सी और गर्म होने देते हैं इसको। बिल्कुल निशान का आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया। तो फ्रेंड अब इसको मैं फिर से प्लग को बंद कर दूंगी, इसके ऊपर फिर से मैंने इसको घिसना है। पूरी ये लेयर है जो उतर जाएगी, दो बार करना पड़ता है, बस इसको इस अच्छी तरह से हमने घुमाते रहें। अब फ्रेंड ये काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, इसको हमने कपड़े पे ही यहाँ पे इस तरह से साफ़ कर लेना है। ये देखिए काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुका है। जब इसको कपड़े से आप साफ़ करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि कहाँ पे इसको ज़्यादा घिसने की ज़रूरत है, तो इस किनारे पे थोड़ा सा हमने रगड़ना है इसको अच्छी तरह से।
वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपको आपके सामने करके दिखानी है, स्किप नहीं की है मैंने वीडियो बिल्कुल भी। तो इस तरह से इसको हमने साफ कर लेना है, क्योंकि जब तक हम लाइव अपने सामने करते हुए देखते नहीं है तो हमें इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते कि वीडियो फेक है या फिर ओरिजिनल है। तो इस तरह से हमारी जो प्रेस है बिल्कुल साफ हो चुकी है, ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए प्रेस का दाग है, कहाँ चला गया ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलती हूँ ये स्क्रैच के निशान, जब हम कपड़े प्रेस करेंगे तो अपने आप ये डिज़ोल्व होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, प्रेस आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब माय चैनल लाइफ हैक्स।